आजकल क्रिकेट का कोई मैच टाई हो जाता है तो दर्शक मजे से झूम उठते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी टीम हारने से बच गई, बल्कि इसलिए कि सुपर ओवर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं कैचअप। आज हम इसी बात पर चकल्लस करेंगे कि आखिर सुपर ओवर टाई होने के बाद होता क्या है। सबसे पहले सुपर ओवर के बारे में थोड़ा ज्ञान। दरअसल सीमित ओवरों का मैच अगर टाई हो जाए तो इसके लिए आईसीसी ने सुपर ओवर नाम के रामबाण का इजाद कर रखा है। पहले बॉल आउट की व्यवस्था थी, लेकिन वो फुटबॉल के पेनल्टी शूटआउट की तरह लगती थी। क्रिकेटिंग फ्लेवर देने के लिए सुपर ओवर नाम की चिड़िया का आविष्कार किया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2008 में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए एक T20 मुकाबले में किया गया, जिसे वेस्टइंडीज ने 10 रनों से जीत लिया था। बाद में कई घरेलू और आईसीसी के T20 टूर्नामेंट्स में भी इसका इस्तेमाल हुआ और 2011 के विश्व कप में नॉकआउट राउंड्स के लिए भी इसे विकल्प के तौर पर रखा गया था, लेकिन कोई भी मैच टाई ना होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। आइए अब सुपर ओवर के नियम जान लेते हैं। मैच टाई पर छूटने के बाद रिजल्ट तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों को एक एक ओवर यानी 6 गेंदें खेलने को मिलती हैं। इसमें टॉस नहीं उड़ाया जाता। जो टीम मैच में दूसरी पारी खेलती है उसे ही सुपर ओवर में पहले बैटिंग करनी पड़ती है। इस ओवर में 3 बल्लेबाज बैटिंग कर सकते हैं, जिनका नाम पहले से ही बता देना होता है, यानी 2 विकेट गिरे तो पारी समाप्त। इस ओवर के लिए पुरानी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका चयन पहले गेंदबाजी कर रही टीम का कप्तान करता है, और सुपर ओवर के रिकॉर्ड्स को क्रिकेट के रिकॉर्ड में जगह नहीं मिलती। यह बस विजेता चुनने का एक तरीका मात्र है। अगर इस ओवर में भी दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए यानी टाई की स्थिति बनी, तो ऐसे में जिस टीम ने मुख्य मैच और सुपर ओवर दोनों में मिलाकर ज्यादा छक्के चौके लगाए होंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि अगर दोनों टीमों ने बराबर बाउंड्री भी लगाई हो तो ऐसी स्थिति में सुपर ओवर को छोड़कर केवल मुख्य मैच की बाउंड्री गिन ली जाती है और विजेता चुन लिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि मामला यहां भी बराबरी का निकला फिर? तो दोस्त, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में विनर चुनते वक्त सुपर ओवर की आखिरी गेंद से रनों की गिनती शुरू होती है और जिस टीम ने लीगल गेंदों पर ज्यादा रन बनाए होते हैं वो टीम जीत जाती है। समझ आया? नहीं तो यूं समझिए, मान लीजिए टीम ए और टीम बी ने सुपर ओवर में क्रमशः ऐसे रन बनाए। अब आप आखिरी गेंद से गिनती शुरू करेंगे तो ओवर की चौथी बॉल पर टीम ए ने 6, वहीं टीम बी ने 4 रन बनाए। यहां टीम ए टीम बी से मैच जीत जाएगी। सोचिए अगर यहां टीम बी आखिरी गेंद पर 1 रन भी बना लेती तो वो इस नियम से जीत जाती। तो ये तो थी सुपर ओवर से जुड़ी जानकारी। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे कैचअप।